अभी तक शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर करें ताकि सभी लोग आज के वचन को सुनने पाए। प्रियो, आज का जो टॉपिक है, आज का जो संदेश है, प्रार्थना के बाद प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आज पावर ऑफ फेलोशिप पर प्रचार करूं। सब बोलिए पावर ऑफ फेलोशिप, पावर ऑफ फेलोशिप, पावर ऑफ फेलोशिप, पावर ऑफ फेलोशिप। बोलो संगति की सामर्थ्य, संगति की सामर्थ्य, संगति की सामर्थ्य, संगति की सामर्थ्य। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप और मैं एक जगह एकत्रित होते हैं, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। और उसी बात से आज प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया है, क्योंकि लॉकडाउन में अब संगतियां नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन खुलने के बाद में भी अब संगति नहीं हो पा रही है और सभी लोग बेस्ड हो गए हैं कि वे लोग ऑनलाइन चर्च ही अटेंड करें। और ये शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा है कि वो लोगों की संगतियों को छुड़ाए, वो लोगों को संगति जाने से रोके, वो लोगों को चर्च जाने से रोके, वो लोगों को खुदा के भवन में जाने से रोके। ये ही शैतान का प्लान है। आज ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और आपसे कहेंगे कि जरूरी नहीं है आपको संगति में रहना, जरूरी नहीं आपको चर्च जाना, जरूरी नहीं आपको मीटिंग अटेंड करना, केवल लाइव मीटिंग देख लो, घर में थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, बस तुम्हारा काम हो गया और तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठे, प्रभु यीशु मसीह कब्र फाड़ कर बाहर आ गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो अलग अलग हो गए थे उन्हें एकत्रित किया। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले तितर बितर हो गए थे उन्हें एक साथ किया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है संगति। हालेलुया। प्रियो, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो सारे चेले अपने घरों से ही सेवकाई का कार्य चालू कर लेते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद में तितर बितर हो गए थे, भाग गए थे यीशु को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा उन सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह वापिस लेकर आया ताकि वे लोग एक जगह बैठकर प्रार्थना कर सके। हमें संगति क्यों जरूरी है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान को संगति पसंद नहीं है, शैतान को मेल मिलाप पसंद नहीं है, शैतान को एकता पसंद नहीं है, शैतान को चर्च यूनिटी पसंद नहीं है। इसलिए वो लगातार संगति के विरोध में, एकता के विरोध में, चर्च के विरोध में कार्य करता रहता है ताकि वो किसी न किसी रीति से लोगों को चर्च से अलग कर दे। उसका मेन टारगेट है कि लोगों को चर्च से अलग करना, लोगों को संगति से अलग करना। आपको, आप हैरान रह जाएंगे आज का संदेश सुनकर कि संगति में क्या कार्य होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। अपने हाथों की इन पांच उंगलियों को ध्यान से देखें, अपने हाथों की पांच उंगलियों को ध्यान से देखिए। यदि मुझे इन हाथों की उंगलियों को अलग करना हो तो ये जब खुली होगी तो मैं उनको आसानी से अलग कर सकता हूं, लेकिन यदि ये उंगलियां एक साथ मिलकर गठ जाती है, एक मुट्ठी बन जाती है, तो मुझे बहुत ताकत का सामना करना पड़ेगा इन्हें अलग करने के लिए। और यही एकता शैतान को पसंद नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि कलीसिया प्रबल होगी शैतान की युग के ऊपर, और अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। एक एक व्यक्ति का तो शेर शिकार कर सकता है, लेकिन जब झुंड में हो तो शेर को भी पसीने आते हैं शिकार करने में। जब आप और मैं यूनिटी में होकर, एक मन होकर शैतान का सामना करेंगे, तो शैतान को आपके घर से, परिवार से, आपके राज्य से जाना ही होगा। इसलिए शैतान का मेन टारगेट है आपको चर्च से अलग करना, आपको कलीसिया से अलग करना, आपको अपने अगुवे से अलग करना, आपको संगति से अलग करना। ये किसी परमेश्वर का प्लान नहीं है, ये शैतान का प्लान है। यदि आज आपके अंदर ये ख्याल आ रहे हैं कि हमें चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें संगति जाने की आवश्यकता नहीं है, लाइव मीटिंग चल तो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़े ही दिन बीतेंगे नहीं, वो आपकी लाइव मीटिंग जो आप देख रहे हो उस पर हमला करेगा और आपको वहां से भी अलग करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन से समझते हैं, बोलिए हम वचन से समझते हैं, सब कहिए वचन से समझते हैं, वचन से समझते हैं। प्रत्येक काम दूसरे अध्याय पर निकाल लीजिए, जब पहली कलीसिया का स्थापना है उसके बाद क्या कार्य हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया की स्थापना के बाद से ही प्रभु की जो योजना रही, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि अब लोग चर्च जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग अब ऑनलाइन ही मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, अपने घर में लेट कर, बैठ कर खाना खाते हुए वो चर्च अटेंड करना चाहते हैं।
बच्चों के साथ खेलते हुए, घर में बातचीत करते हुए, थोड़ा सा पकौड़ा बना लो, थोड़ा सा हलवा बना लो, बोलते हुए वो चर्च अटेंड करना चाहते हैं। अब वो चर्च में आकर संगति करना नहीं चाहते, क्योंकि अब शैतान ने उनके अंदर इस बात को डाल दिया है कि चर्च संगति नहीं, फाउंडेशन है, अगवा आपको गुलाम बना रहा है। ये जो विरोध के वर्ड है, ये केवल और केवल शैतान की ओर से है। देखिए, पहली कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। 44 है दूसरा अध्याय, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर्स, कि जैसे ही पहली कलीसिया की स्थापना हुई, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा जब उड़ेरे गए, उस टॉपिक पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं कि जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई तो किस प्रकार के कार्य यहां प्रकट हो रहे हैं। पहली कलीसिया जब स्थापित हुई तो क्यों प्रभु ने नहीं किया कि जाओ अपने अपने घर रहो, अपनी मर्जी पूरी करो, जब मीटिंग हो तब आ जाना, जब काम हो जब आ जाना, अभी क्या जरूरत है। लेकिन बाइबल बताती है प्रारंभिक कलीसिया को इकट्ठा इसलिए रहना था कि जो सताव हो वो उसमें वो मिलकर साथ दे, वो जब तकलीफें आ रही हो तो मिलकर खड़े रहें, जब उन पर सताव हो, कलेश हो, उपद्रव हो, तो वो एक साथ रहें, क्योंकि अकेले अकेले व्यक्ति को मारना तो बहुत आसान है, लेकिन यदि ये मुट्ठी बनी रही तो शैतान को तोड़ने में पसीने आने वाले हैं। कोई तो कहे हालेलुया, कोई तो कहे मैं समझ रहा हूँ, कोई तो कहे मुझे समझ आ रहा है, कोई तो कहे मुझे समझ आ रहा है, क्या लिखा है पढ़िए 44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि ये विश्वास करने वाले इकट्ठे क्यों रह रहे हैं मेरे भाई और बहनों? क्या कारण है कि सारे विश्वास करने वाले इकट्ठे रह रहे हैं, सारे यीशु मसीह के फॉलोवर्स इकट्ठा रह रहे हैं, सारे बिलीवर्स इकट्ठा रह रहे हैं, सारे बत्तीसवा पाइवे इकट्ठा रह रहे हैं, सारे संगति करने वाले इकट्ठा रह रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया जिसकी इंपोर्टेंस जानती थी कि संगति में पावर है। हालेलुया, और संगति में पावर है, प्रारंभिक कलीसिया जानती थी कि संगति के अंदर में पावर है, लेकिन आज की कलीसिया अलग अलग रहना चाहती है, बिलीवर्स अलग अलग रहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जहां संगति है वहां पावर है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो जहां संगति है, जहां संगति है वहां पावर है, 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 वहां पावर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुनने वाले भाई और बहनों, कि क्यों पवित्र आत्मा एक एक पर उंडेला नहीं गया, क्यों पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों पर उंडेला नहीं गया, लेकिन बाइबल मुझे सिखाती है कि जब जब पवित्र आत्मा उंडेले गए, जब जब पवित्र आत्मा आए, वो मेजोरिटी में आए, माइनॉरिटी में नहीं आए। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा का उन्हेला जाना मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। वहां पर 120 लोग थे, कोई दो लोग नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं नहीं, अपोस्तल जी हम तो थोड़े लोग घर ही में कर लेंगे। हालेलुया, मेजोरिटी यहां पर दिखा दिए 120 लोग, 120 लोग जब इकट्ठे थे तब पवित्र आत्मा है। क्यों चेलों से कहा जाओ अपने अपने घरों में, घरों में भी आत्मा आ जाएगा, खेतों में आत्मा आ जाएगा। कई लोग कहते हैं सब प्रभु कर लेगा घर में, हमें जाने की जरूरत नहीं, प्रभु को देना हो तो घर पे ही दे देगा। ओ जीसस, कितने लोग मेरे साथ हैं आज? बोलो हमें संघर्ष करना होगा, हमें आत्मा में लड़ना होगा। बाइबल बताती है बलवंत लोग स्वर्ग राज्य को छीन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज आपको और मुझको आत्मा में युद्ध करने की जरूरत है। आज बिस्तर पर पड़े पड़े रहने की जरूरत नहीं है, आत्मा में उठ खड़े होने की जरूरत है। जब शैतान हमारे घरों में हमला कर रहा है, हमारे परिवारों में हमला कर रहा है, हमारे चर्चों में हमला कर रहा है, हमारे बेटे बेटियों पर, हमारे भाई और बहनों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे कमिट पर शैतान जब हमला कर रहा है, कैसे हम आराम से लेट कर कह सकते हैं जब प्रभु को करना होगा कर देगा।
हालेलुया। बोलो आत्मा में लड़े, आत्मा में लड़े, आत्मिक युद्ध में आ जाए, 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 अच्छी लड़ाई लड़े, अच्छी लड़ाई लड़े। पौलुस ने कहा, पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। पौलुस कहता मैंने अच्छे बिस्तर तोड़े हैं, मैंने अच्छी कुर्सियां तोड़ी है, तुम भी बिस्तर तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, मैंने अच्छी रोटियां तोड़ी लोगों के घर जा जाकर। पौलुस ने ये बात कही थी, शायद आपको लिखने के लिए मौका मिलता तो ये लिखते आप। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एपोस्टल इज अ माइटी एपोस्टल ऑफ गॉड सेस आई गुड फाइट, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। से हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपको और मुझको अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा बुलाता है। आप अकेले नहीं लड़ने वाले, आप और मैं और आप और पवित्र आत्मा, मैं और पवित्र आत्मा मिलकर एक अच्छे योद्धा बनते हैं, एक अच्छी कुश्ती लड़ने के तैयार होते हैं, एक अच्छा संघर्ष करने के तैयार होते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है कि बहुत हो गया, घरों में आप संगति में आ जाए, अब चर्चों में आ जाएं, अब मेल मिलाप में आ जाएं, अब संगति में शुरू कर दें परमेश्वर की आराधना को, क्योंकि संगति में सामर्थ है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं द पावर ऑफ फेलोशिप, संगति की सामर्थ, संगति की सामर्थ के विषय में आपको सिखा रहा हूं कि जब हम संगति में होते हैं किस प्रकार खुदा का आत्मा काम करता है। क्या लिखा है 44 पद में, विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है, चाहे आप कितना भी लाख चिल्लाते रहे पोसली, आप ज्यादा विश्वास करते हैं। बोलो विश्वास बोला नहीं जाता, विश्वास दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। बोलो अब्राहम ने विश्वास बोला नहीं, विश्वास को दिखाया अपने बेटे को बलिदान करने के द्वारा। बाइबल बताती कि अब्राहम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरा है, ऐसे नहीं उससे फादर ऑफ फेथ कहते हैं हम लोग, विश्वास का पिता कहलाया वो, फादर ऑफ फेथ। कारण क्या था, उसने काम करा। हम ये नहीं कह सकते प्रभु तेरी योजना जब पूरी होगी हो जाएगी, आपको और मुझको प्रभु की योजना पूरी करने के लिए लड़ना होगा, आपको और मुझको प्रभु की योजना पूरी करने के लिए वो करना पड़ेगा, हमको संगति करना पड़ेगा, आपको और मुझको प्रभु की योजना पूरी करने के लिए अच्छी कुश्ती को लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा, पहाड़ पर चढ़ना होगा। मूसा भी प्रभु के दर्शन करने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए नीचे भेड़ बकरी के साथ नहीं बोला था, प्रभु तुझे भेजना हो तो नीचे आ जा। मूसा पहाड़ पर चढ़ा। कितने लोग हैं जो आज प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं आज पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। पहाड़ पर चढ़ने की आदत बना लीजिए, क्योंकि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह, उठाकर बाइबल पढ़ लीजिएगा, नए नियम में कई बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र है। यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना किया करने जाया करता था, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने जाया करता था। पहाड़ पर प्रार्थना करने का मतलब एक संघर्ष की प्रार्थना है, पहाड़ पर प्रार्थना करने का मतलब ऊंचाइयों की प्रार्थना है, पहाड़ पर प्रार्थना करने का मतलब संसार से अलग होने की प्रार्थना है। प्रियो आज ऐसे लोग प्रभु ढूंढ रहा है। पुराने समय में भविष्यवक्ता लोग पहाड़ों पर रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। आज हमारे बारे में क्या ख्याल है? विश्वास करने वाले इकट्ठे रहा करते थे, और जो विश्वास नहीं करते थे वो कहां रहते थे? बोलो अकेले अकेले रहते थे और दूर से देखते थे, अच्छा ये कलीसिया था ये, अच्छा ये कलीसिया था ये। इस अंकेर पर इतना आता है, बोलो विश्वास करने वाले, विश्वास करने वाले, केवल विश्वास करने वाले, केवल विश्वास करने वाले इकट्ठे रहा करते थे, इकट्ठे रहा करते थे। और जो अलग अलग रहते थे वो कौन लोग थे? कम ऑन चर्च, बताना तो पड़ेगा आपको। जो अलग अलग रह रहे थे वो लोग कौन थे? बोलो, वो विश्वास करने वाले नहीं थे, विश्वास करने वाले नहीं थे। सच यही है,
लेकिन मेरी बाइबल उनके बारे में मेंशन नहीं करती, इसलिए मैं स्वर्गीय लगाने वाला नहीं हूं आगे, श्री स्वर्गीय। हालेलुया, ये मनुष्य की उपलब्धियां हैं, उपाधियां। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे रहा करते थे, जो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, जो अलग अलग घूम रहे हैं, वो लोग कौन है? कौन शोर्स बिंदास उत्तर दीजिए, बाइबल आपके सामने खुली, वे लोग कौन है? हाँ कौन, जोर से बोले, अविश्वासी। अरे जोर से बोलो, अविश्वासी। कौन है? अविश्वासी। हाँ बोल देना जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, दो चार गाले ही देगा आपको, क्या करेगा, ठीक है, सुन लेना, क्या फर्क पड़ता है। यीशु को भी पकड़ रहे थे लोग, सदर के परिसी यीशु को भी गालियां दे रहे थे, तो हमसे बड़ा हो गया, तेरे को क्या आता है, बड़ाई का बेटा, हमारे सामने तू लकड़ी फोका करता था, तुम सबसे गरीब। आपको पता है यीशु मसीह का परिवार सबसे गरीब परिवार था, बोलो सबसे गरीब परिवार से लोग, बोलो सबसे गरीब, तीन बार बोलो, आवाज नहीं आई, सबसे गरीब परिवार। पता है क्यों? क्योंकि जब लड़का पैदा होता है ना पहलौठा, तो माँ बाप जो चढ़ावे के लिए जाते हैं ना, तो बोलो अपनी हैसियत के साथ, बोलो हैसियत के साथ जाते थे। जो ज्यादा पैसे वाला होता था वो बेल लेकर जाता था, बोलो ना, और जो कम पैसे वाले थे मिडिल क्लास, वो भेड़ बकरियां लेकर जाते थे, और जो सबसे लोअर क्लास होते थे, गरीब लोग, वो कबूतर के बच्चे लेकर जाते थे। यीशु मसीह के माँ बाप मम्मी पापा ने क्या चढ़ाया था, बोलो कबूतर के बच्चे, तो कौन सी क्लास कैटेगरी में थे वो लोग, चिल्लाओ ना, गरीब परिवार से था ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह। वो कहते थे हम जानते हैं तेरी फैमिली की क्या हालत है, और तू हमको सिखा रहा है, कम ऑन चर्च। आपको और मुझको इस बात को समझनी होगी कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। प्रेरित काम दूसरे अध्याय के पहले ही वचन में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, यदि 43 पद को देखेगा लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया, क्या हो गया, और सब लोगों पर भय छा गया, क्या हो गया था, और सब लोगों पर भय छा गया, क्या हो गया था, भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। बोलो प्रेरितों के द्वारा क्या हो रहे थे, क्या हो रहे थे, उसका एक ही कारण था, सारे प्रेरित क्या रहे थे, बोलो एक साथ, सब बोलो एक साथ रह रहे थे। भाई पता, जो अलग होता है ना वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए होता है, सब बोलो, तीन बार, फिर से, जो अलग होता है वो इसलिए अलग नहीं होता कि उसको अधवे से तकलीफ है, उसको चर्च से तकलीफ है, उसको संगति, उसको इसलिए तकलीफ है, उसको खुद की इच्छा पूरी करनी, बोलो अपनी मन मर्जी करनी, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं है, मुझे बाइबल आती है, अन्य भाषा आती है, दर्शन आते हैं, सब आता है मुझे, आप किसी की जरूरत नहीं है, मैं उसकी क्यों सुनूं, अब मैं मेरी इच्छा पूरी करूंगा, अब मेरी मर्जी वो फेसबुक पर डालूंगा, अब मेरी मर्जी वो व्हाट्सएप पर डालूंगा, मेरी मर्जी उसको कॉल करूंगा, मेरी मर्जी उससे बातचीत करूंगा, मेरे को जहां जाना मैं वहां जाऊंगा। ये इस प्रकार की मेंटालिटी जो है ये उस व्यक्ति की प्रयोग जो अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है। बाइबल बताती है कि और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, सब बोले बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, उसका सबसे बड़ा कारण, सब बोलो, सबसे बड़ा कारण, बोलो उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण, वे लोग एक साथ रह रहे थे, समझ आ गया सब लोगों को, दिस इज द पावर ऑफ फेलोशिप। मैं आपको सिखा रहा हूं आज संगति की सामर्थ्य के विषय, द पावर ऑफ फेलोशिप के विषय में सिखा रहा हूं। यदि आप संगति में हो तो आपकी जिंदगी में अद्भुत काम होंगे मेरे भाई और बहनों। जब आप संगति में आते हो, जब आज यहां पर आप लाइव में संगति करने आए हो, आपकी जिंदगी में अद्भुत काम होने से कोई नहीं हो सकता, बोलो ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, फिर से बोलो, ऐसा
ऐसा कैसे? बोलते रहो। ऐसा कैसे? एक बार और। ऐसा कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस बात का समर्थन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 19 पद और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह इस बात का समर्थन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 18:18-19:20 मैं चाहता हूं पहले 19 पढ़ेंगे, फिर 18 पढ़ेंगे, फिर 20 पढ़ेंगे। 18 का 19 पद। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आगे, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया चिल्लाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर संगति होती है वहाँ पर प्रभु को पुकारने की जरूरत नहीं, प्रभु का स्वयं का वायदा कि मैं वहाँ आऊंगा। आप यदि गाना बिना गाए और कहे पवित्र आत्मा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु का वायदा है कि आप यदि परमेश्वर के लिए कथित हैं, यदि आप प्रभु की आराधना करने के लिए कथित हैं, यदि आप वचन सुनने के लिए कथित हैं, यदि आप प्रभु से एक मन होने के लिए कथित हैं, प्रभु का आत्मा वहां आएगा क्योंकि उसका वायदा है। उसने ये नहीं कहा कि जहां दो लोग प्रार्थना करेंगे मैं आऊंगा, उसने कहा जहां दो लोग एक मन होंगे। क्या होंगे? यहाँ हम बिजनेस की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम शादी की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम जॉब की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम राजनीति की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम संसार की चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम कोरोना की चर्चा करने के लिए नहीं आए, लेकिन यहाँ हम परमेश्वर की बात करने आए हैं, यहाँ वचन की बात करने आए हैं, यहाँ पिता की महिमा करने के लिए आए हैं, यहाँ पवित्र आत्मा की संगति करने के लिए आए हैं। और बाइबल बताती है जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहां दो या तीन जमा जहाँ दो या तीन हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। बोलो मेरे पिता का वायदा है, मेरे खुदा का वायदा है, जहाँ दो या दो से अधिक लोग, जहाँ कलीसिया एक मन होती है, जहाँ संगति होती है, जब प्रभु की आराधना होती है, जब प्रभु का प्रचार होता है, वहाँ प्रभु आता है, उसकी सामर्थ आती है, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलने लगती है, अंधकार दूर होता है, उजियाला आता है। रिसीव कर यीशु के नाम में, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, आज प्रभु की आत्मा मुझे कहती है कि मैं आपको इनकरेज करूं संगति में फिर से आने के लिए। मैं आपको इनकरेज करूं कि बहुत हो गया अपनी मनमानी। मैंने फ्राइडे को प्रचार किया था कि मेरे भाई और बहनों, यदि यीशु के पीछे चलना है तो अपने आप का इनकार करना होगा। आज वही व्यक्ति संगति में आ सकता है जो अपने आप का इनकार करता है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि जो संगति से अलग होना चाहता है, वो यदि किसी से अलग होना चाहता है तो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां, आज प्रभु का आत्मा आपको अपनी संगति में बुलाता है, पिता आपको अपनी संगति में बुलाता है, पुत्र यीशु आपको अपनी संगति में बुलाता है, पवित्र आत्मा आपको अपनी संगति में बुलाता है। फिर से आज हमें संगति में आने की आवश्यकता है, फिर से आज हमें प्रभु के साथ आने की आवश्यकता है, फिर से आपको और मुझको प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। वो कहता है जहां दो या दो से अधिक लोग
मेरे नाम के लिए आएंगे मैं आ जाऊंगा, मैं वहां आ जाऊंगा। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि 3 चेले काम पर चले जाओ, बाकी 9 मेरे साथ आ जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि आज तो मैं छोटे गांव में जा रहा हूं, इतने चेलों की जाने की जरूरत नहीं। अक्सर हम प्रचारक नहीं कहते हैं इतने सारे लोगों की जाने की जरूरत नहीं, हम 2 ही लोग चले जाएंगे। लेकिन मैंने बड़े प्रचारकों की मीटिंग को देखा है, वो पूरी टीम के साथ ही जाते हैं, चाहे तुम छोटी मीटिंग कराओ या बड़ी मीटिंग कराओ, क्योंकि वे लोग जानते हैं संगति की सामर्थ को, मेजोरिटी की सामर्थ को। जितने ज्यादा लोग खुदा की बंदगी के लिए एकत्रित होते हैं, खुदा का आत्मा उतने ज्यादा रीति से आगे बढ़ता है, खुदा का आत्मा उतनी ज्यादा रीति से कार्य करता है। जब हम देखते बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, प्रभु का आत्मा बल से उतरता है, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, खुदा का आत्मा बल से उतरता है, उसके पीछे कारण ये होता है। यदि मैं सांसारिक दृष्टिकोण से आपको एक कारण बताऊं, यदि मैं सांसारिक रीति से आपको एक बात बताऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस राज्य में जिस वस्तु की कमी घटी होती है, आसपास के राज्य उस राज्य के अंदर उन सप्लाई को बढ़ा देते हैं, हमारे देश की सरकार उस राज्य में सप्लाई को बढ़ा देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जिस राज्य में पानी की कमी घटी हो गई है, जिस राज्य में पीने के लिए पानी नहीं है, जिस राज्य में अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ, बारिश नहीं हुई है, वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे, चिल्ला रहे, हमें पानी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी सरकार उस राज्य के लिए पानी की सप्लाई में लग जाती है। वे अपनी ट्रेनों को लगाती है कि ट्रेन पानी भर कर लाए, वो पानी के टैंकरों को भेजते हैं, वे हवाई जहाज के द्वारा पानी की सप्लाई करते हैं, वे पाइपलाइनों के द्वारा पानी की सप्लाई करते हैं, और पूरी रीति से वो हर तरीके से वहां पर पानी की सप्लाई करते हैं, क्योंकि उस राज्य में पानी की कमी है। उसी प्रकार जिस कलीसिया में, जिस कम्युनिटी में, जिस क्रुसेड में जी मौत की आवश्यकता होती है, यदि लोग चिल्ला रहे हमें चंगाई की आवश्यकता है, यहाँ चंगाई का काल पड़ा है, पूरा परमेश्वर का राज्य जिसे हम कहते हैं स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग राज्य अपनी पूरी सामर्थ्य से वह चंगाई को सप्लाई करने में लग जाता है। से हालेलुया, 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 हालेलुया। इस राज्य के लोग चिल्लाते हैं, यहाँ पवित्र आत्मा की प्यास है, पवित्र आत्मा को ढेलो। बोलो वहां क्या होता है? पूरा स्वर्ग लग जाता है वहां पर पवित्र आत्मा ढेलने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का सूखा था, 120 चिल्ला रहे थे एक ही बात, सब बोलो 120, एक ही बात के लिए चिल्ला रहे थे, पवित्र आत्मा का पानी आए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए। और वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु ने अपने पूरे डिपार्टमेंट को लगा दिया वहां पवित्र आत्मा के कार्य को पूरा होने के लिए। ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो पवित्र आत्मा पूरे यरूशलेम पर नहीं उतरा? क्यों वो पवित्र आत्मा सामरिया और यहूदिया पर नहीं उतरा? क्यों पवित्र आत्मा गलील और काना पर नहीं उतरा, बेतनिया पर नहीं उतरा? क्योंकि वहां के लोगों को पवित्र आत्मा की डिमांड नहीं थी, वहां के लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं पुकारा था, वहां के लोगों को लगता था कि हमें अब प्यास नहीं है, हम बहुत फुलफिल, हम बुद्धिमान है, हम ज्ञानी, हम समझ, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 120 लोग यरूशलेम के मंदिर के ऊपर की कोठरी में एक वाक्य के लिए चिल्ला रहे थे, लॉर्ड आई वांट होली स्पिरिट, लॉर्ड आई वांट होली स्पिरिट। पिता हम एक ही चीज चाहते हैं, हमें आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ पता है? वहां पर यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 2 से अधिक लोग होंगे वहां पर मैं बोलो आ जाऊंगा। सब बोलिए जहां 2 या 2 से अधिक लोग होंगे वहां यीशु आ जाएगा। कोई 2 या 2 से अधिक लोग क्या कर रहे थे पता है? 19 पद को पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, बोलो किसी बात के लिए, किसी बात के लिए। प्रेरित लोग एक ही बात के लिए, बोलो एक ही बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही बात के लिए, केवल पवित्र आत्मा चाहिए, केवल पवित्र आत्मा चाहिए। बोलो प्रभु ने बोला था 2 लोग, 2 लोग, सब बोलो 2 लोग, 2 लोग। और यहाँ पर कितने लोग ज्यादा थे? बोलो 118। तो बोलो प्रार्थना की स्पीड कितनी होना थी? सब बोलिए 118 होना। प्रार्थना की स्पीड कितनी थी? 118। बोलो प्रभु ने कितने लोगों के बारे में कहा था? 2 लोग। यहाँ लोग कितने ऊपर थे? 120। बोलो 118 लोग ज्यादा थे। प्रार्थना की स्पीड कितनी थी? 118।
मैं आपको बताना चाहता कि दो लोग आप सरकार में मिलने जाइए और अपने साथ 120 लोगों को लेके जाइए। कितने लोग मेरे साथ हैं? अब अपने यहाँ जाइए, कुछ लोग कॉलेज में हों, कुछ लोग वो ऑफिस में हों, डिपार्टमेंट में हों। जब दो लोग जाके तुम आप चपड़ा सी तुमको वहां से गेट से बाहर आ गए, कहां से आ गए? फोन घुसने देता इन लोगों को, आने मत देना, आप दिखे तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और अपने साथ फिर बोला 120 को जा ले जाओ। कितने को? 120 साइड से जा रहे, उठा ही नहीं खानी आज खड़ जा पीछे चिल्ला रहे को, भले मार नहीं रहे लेकिन अब चौड़ा पर मारने वाले सर, बहुत मारने वाले, जल्दी आ जाओ। अभी तो वहां का जो ऑफिसर है वो भी आपसे आराम से बात, बोला धीरे धीरे बात, अरे हो जाएगा आपका काम। बोलो संगठन में शक्ति है, बाइबल बताती है एकजुटता के बारे में, एक मन के बारे में और एक साथ संगति करने के बारे में। क्यों शैतान अलग अलग आपको उठा के पीट रहा है? इन कोरोना कालों में अलग अलग चर्च नहीं लग रहे, लोग इतने परेशान हो गए कलीसिया में विश्वासी लोग। कारण क्या है? क्योंकि जब वो चर्च आ रहे थे एक साथ कुटाई हो रही थी उनकी, मतलब एक साथ कुटाई हो रही थी, उनको बताया कि एक हफ्ते में कुछ भी करें संडे को तो कुटाई हो ही जाएगी, खागेंगे शैतान। हालेलुया, लोगों की बेटियां चार्ज हो रही थी, उनके मन चार्ज, उनके दिलो दिमाग बदल रहे थे, उनको डर रहता था कि हम संडे को क्या मुंह दिखाएंगे, वो पाप नहीं करते थे। अब तो क्या चर्च जाना ही ना, जो मर्जी करो, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है। या आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस स्टेटस पे लग रहा है या कम ऑन चर्च, ये समय पवित्र आत्मा की आंख से भरने का है, ये समय संगति में आने का है। आप मत सोचो शैतान कितनी औकात नहीं कि ज्यादा दिनों प्रभु के काम को रोक पाए। प्रभु का काम इसलिए रुका है कि आप दुगनी तेजी से आगे बढ़े। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा 40 दिन तक वेट करते रहे, 40 दिन तक वेट कर रहे, प्यास बढ़ती गई। कोई हालेलुया चिल्लाएगा? हालेलुया। कोई बोले नया रेवलेशन चाहिए? नया रेवलेशन चाहिए। कोई बोले नया चाहिए? नया चाहिए। बोलो सप्लाई तो? सप्लाई तो पहले ही दिन हो चुकी थी, पहले ही दिन हो चुकी थी, लेकिन बाकी की जो 39 डेज थे, बोलो 39 डेज थे, 39 डेज थे, वो प्यास को बढ़ा रहे हैं, प्यास को बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पहले दिन फास्टिंग होते हैं, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, बोलो भूख बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है। आप सोचो 40वें दिन भूख की हालत थी, आप यीशु मसीह की जीवन से आप देख सकते हैं। मैंने दया सागर करके मूवी देखी थी यीशु मसीह की, पुराने समय में आती थी, आप लोगों ने देखा होगा जीसस मूवी, यदि आप लोगों ने देखी होगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसमें कुछ यीशु मसीह के शरीर के बारे में बताया गया था। वो ये था कि जब यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करने आया, तो मैंने उस वीडियो को देखा था, तो 40वें दिन यीशु मसीह को बहुत भूख लग रही थी और उनका शरीर टूट रहा था, और वो बिल्कुल जैसे आप सोचते ना कि जब भूख लगती है तो शरीर की क्या हालत हो जाती है, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन से भूखे और प्यासे हैं, वो पत्थर को देख रहे हैं, और यही चीज का शैतान इस्तेमाल करा, क्योंकि यीशु मसीह की नजर पत्थर पर गई होगी, तो शैतान ने कहा पत्थर ही को बोलते रोटी मिल जाए। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि हम जिस चीजों को केंद्रित होते ना, शैतान उसी को इस्तेमाल करेगा। यदि आप अपने अपनी फैमिली पर केंद्रित, तो शैतान परिवार को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आप परिवार से ध्यान हटाओ, वहां से शैतान भाग जाएगा। अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, जिन चीजों पर आप केंद्रित होने की या सेंटर होने की कोशिश करेंगे, शैतान बोलेगा अच्छा ये है इसका काम, यही पर हमला करो, साथियों लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की भूख बढ़ते जा रही थी, यीशु मसीह की भूख बढ़ती जा रही थी, भूख बढ़ते जा रही थी, भूख बढ़ती जा रही थी। उसी प्रकार प्रेरितों के काम में झीलों की जो भूख है वो पवित्र आत्मा के लिए बढ़ते जा रही थी। बोलो एक दिन प्रार्थना किया, यीशु मसीह के जी उठने से लेकर पवित्र आत्मा उन्हेले जाने तक, बोलो पूरे 50 दिन गए, 40 दिन यीशु मसीह बोलो साथ रहा, 10 दिन चेलों ने प्रार्थना किया, 10 दिन चेलों ने प्रार्थना की, और 10वें दिन बोलो 50वें दिन, मीन्स पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का मतलब 50 दिन, सब बोलो पेंटिकोस्ट मीन्स 50वां दिन, बोलो पेंटिकोस्ट का दिन आया, मतलब 50वां दिन आया, फसल के पर्व से, फसल के पर्व पर यीशु का बलिदान हुआ। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? 50वें दिन बोलो उनकी प्यास बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत बढ़ चुकी थी।
यदि आप मुझे अभी एक घंटा पानी नहीं दोगे तो मैं मुझे मेरी प्यास बढ़ जाएगी। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो अभी पास में पानी का बोतल लेकर बैठे होंगे। आप समझ सकते हो यदि कोई व्यक्ति 10 दिन से प्यासा, बोलो चेले लोग 10 दिन से प्यासे थे, आत्मा चिल्ला रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक प्यासा व्यक्ति कैसे पानी को मांगेगा, एक बोलो एक प्यासा व्यक्ति कैसे पानी मांगेगा। देना तो दे दो पाजी साहब, नहीं तो कहीं और प्रार्थना करा लेंगे। प्रभु दे रहे हो क्या आत्मा, दो नहीं तो कहीं और से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग मेरे साथ आज, बहुत सारी मिनिस्ट्री हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करा, बार बार मैसेज, इतने मैसेज कर डाले उसने कि मैं हैरान हो गया। मैं मैसेज करता है कि दुनिया के सारे प्रॉफिट का और बड़े बड़े पादरियों का नंबर मेरे पास में, तुम कौन हो जो मुझे बोल रहे हो कि मैं बात नहीं करूंगा। मेरे अंदर ख्याल है कि जो इतने बड़े दुनिया के प्रॉफिट लोगों का नंबर तेरे पास है, बोले अफ्रीका का, इंडिया का, बोले सारे लोगों के नंबर मेरे पास, सबको फोन कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं तुमको मैसेज कर रहा हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और तुम मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। मेरे अंदर ख्याल है कि भाई उनसे ही करा ले, मैं तो बहुत छोटा हूं। कितने लोग मेरे साथ, बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रेरित लोग एक मन थे, उनकी प्यास बढ़ रही थी, क्या हो रही थी? आपको पता है एक व्यक्ति जब अकेले फास्टिंग होता है, एक व्यक्ति जब कम्युनिटी फास्टिंग होता है, जब आप सब 10 लोग एक साथ फास्ट रखोगे ना एक रूम में बैठकर, आपको भूख का ख्याल भी नहीं आएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरे साथ हैं, आपके अंदर कोई गंदा थॉट नहीं आएगा, आपके अंदर कोई परिवार का थॉट नहीं आएगा। आप यदि वर्शिप करेंगे, आपको लगे आपके आईसाइड लोग डांस कर रहे हैं, आप भी डांस करने लगेंगे, आईसाइड के लोग जॉयफुल हैं, आप भी आनंदित होने लगेंगे, और वो एटमोस्फेयर अलग होगा। इसलिए प्रभु ने कहा था सब लोगों ने इकट्ठे रहना, क्या बोला था, और एक साथ आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मैं सोच सकता हूँ कि शायद 2-4 लोग डर रहे होंगे, लेकिन वो पड़ोस वाले को देख रहे तो आंख बंद करके रही, खाने बड़ा 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 कर रहा है। कितने लोग मेरे साथ है, वो पड़ोसी देखता वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा है, एक हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, एक चल कर प्रार्थना कर रहा है, एक लेट कर प्रार्थना कर रहा है, और बोला जिसको जैसी प्रार्थना आ रही थी वो कर रहा था, बोले जैसी प्रार्थना आ रही थी वो कर रहा था, क्योंकि उनको प्रार्थना ठीक से नहीं आती थी। कितने लोग मेरे साथ हैं, यीशु ने एक ही प्रार्थना सिखाई थी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, पर वे लोग केवल एक, बोलो एक ही प्रार्थना कर रहे थे, एक ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अपनी आत्मा दे दे। क्या प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अपनी आत्मा दे दे। और उनकी प्यास लगातार बढ़ते जा रही थी, और प्रभु ने देखा कि अब फाइनल है, क्या है, अब फाइनल है, अब 11वां दिन नहीं होगा। और सडनली जैसे ही जब हम, आपको पता है कि जब हम किसी वस्तु पर प्रेशर लगाते हैं, लगता है लास्ट पीक है इसका, टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, अरे भैया और मत किसी टूट जाएगी, क्या बोलते हैं हम, जैसे रबर है, बोलो और मत किसना, क्या हो जाएगा, बलून की तरफ और हवा मत भरना, तो बोलो उसका पीक पॉइंट होता है, बोलो उसको बोलो पीक पॉइंट होता है, बोलो लास्ट लेवल होता है, साइंस कहता है इसका एक पीक पॉइंट है, इसमें टिक लगा दो, इसके ऊपर ले जाओगे तो, बोले इस वस्तु को 101 डिग्री पर मत उबालना, 100 तक ही है, 100 तक ये रह लेगा, यदि 100 से ऊपर किया तो ये बस्ट हो जाएगा। सेम की कंडीशन थी, प्रभु उनकी प्यास को बढ़ता हुआ देख रहे थे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद वे लोग चिल्लाना शुरू किए, उसके बाद वो रोना शुरू किए, उसके बाद वो गिड़गिड़ाना शुरू किए, प्रभु 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5, 6, 7, 8, 9, और लास्ट डे है, वे लोग करते जा रहे हैं, अचानक बूम, अचानक वहां पर एक ब्लास्ट होता है, दिस इज द होली गोस्ट ब्लास्ट, दिस इज द होली गोस्ट बाग, और हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा आता है, क्योंकि बाइबल बताती है वो सभी लोग एक मन थे, ताली बजाएंगे तो, वो सभी एक मन थे, एक मन। जब आप एक मन होते हैं ना, प्रभु की आत्मा को आना ही है, बोलो आना। अच्छा उत्पत्ति की किताब आप बोलोगे नए नियम से अपोस्टल जी बता रहे हैं, हम तो पुराने नियम को पसंद करते हैं, कई लोग बोलेंगे हम पहले पुराना नियम पढ़ेंगे
ठीक है साहब, पुराने से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए एक ही बाइबल है, पुराना नया हमारे लिए एक ही समान है, परमेश्वर न बदलता। क्या राज दिया है, ग्यारह अध्याय पढ़िए उसका। हाँ, ग्यारह अध्याय शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़िए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। कितनी अच्छी बात थी ना, सारी पृथ्वी के ऊपर बोले एक ही भाषा, एक ही बोली थी, झंझट नहीं था लैंग्वेज लेट करने का। वहां पर सारी पृथ्वी के ऊपर में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ, वहाँ के लोग एक मैदान पाकर बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटे बना लें, ईंटे बना बना के भली भांति आग में पकाए। बोलो, उत्पत्ति के समय ईंट आ गई थी, सब लोग ईंट आ गई थी, है ना। अब आप बोला भी आई है थोड़े बहुत समय, ईंट पहले से आ गई, टेंशन मत लेना। हाँ, ईंटों को पकाएं आगे। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, वेरी गुड, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से, और चूने के स्थान पर क्या इस्तेमाल किया, मिट्टी के गारे से, वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, बोलो आओ हम एक नगर, एक नगर और एक गुमट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुमट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने देखने के लिए आ गया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने वालों ध्यान से सुनो कि क्यों परमेश्वर ने देखने के लिए आ गया। क्या बात थी वहां पर कि परमेश्वर उन्हें देखने के लिए आ गया। क्या लिखा है, परमेश्वर ने देखने के लिए आया। परमेश्वर क्या करने आया, देखने के लिए उतर आया। परमेश्वर बोला ऊपर से साफ नहीं दिख रहा है, प्रभु क्या बोले प्रभु बोले नीचे चलते हैं। क्या बोला, और बिल्कुल आमने सामने देखेंगे कल क्या नए हैं। जैसे जब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है परमेश्वर के भवन का, तो मैं यहाँ से नहीं देखता कि कई लोगों ने सलाह दी कि कैमरे लगा लो, आप यहाँ से देखो। आपको पता है यहाँ से कैमरे में देखने का जो मजा नहीं है, जो साक्षात वहां खड़े होकर देखने का मजा है। कितने लोग मेरे साथ है, हालेलुया हालेलुया बोलो। लाइव देखने में जो मजा नहीं है, लाइव देखने में मजा नहीं है, यहाँ आकर फेस टू फेस देखने में मजा। आप किसी ने चलिए छोड़िए, माफ किया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो प्रभु ने बोला ऊपर से नहीं देखूंगा मैं। क्या बोला, ऊपर से नहीं देखूंगा। बोलो ऊपर से नहीं देखना, ऊपर से नहीं देखना, मैं आमने सामने देखूंगा। अब आपको समझ में आ गया कि परमेश्वर भी आमने सामने में भरोसा करता है। हाँ, पढ़ना उसको, छह पद को देखो, रेवलेशन। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ। बोलो यहोवा ने कहा, बोलिए यहोवा ने कहा, फिर से यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के, क्या है, एक ही दल के। सब बोलो एक ही दल के, एक ही दल के। कोई पेंटिकोस्टल नहीं है, कोई मेनलाइन नहीं, कोई लूथरन नहीं है, कोई यीशु मसीह का है। आप पता नहीं कौन से डिनोमिनेशन को ले लेके घूम रहे हैं। बोलो हमारा चर्च, हमारा चर्च कोई लेबलिंग नहीं है, कोई लेबल नहीं है, ये कोई लेबल चढ़ा हुआ चर्च नहीं है। इस चर्च को हम कहते हैं यीशु मसीह का चर्च। बोलो आप यीशु मसीह के हैं, हालेलुया हालेलुया। डिनोमिनेशंस मनुष्य ने बनाए हैं, हम किसी ग्रुप के नहीं है, हम एक ही ग्रुप के हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। यहाँ एक ही दल था, क्या यहाँ एक ही दल था। क्या प्रभु क्या देखने आता है पता है, यहाँ पांच प्रकार के लोग बैठे, उन्हें देखने आता। प्रभु यहाँ देखता कि एक मन एक ही नहीं, आधे बोल रहा मन भाषा नहीं बोले, आधे बोले हम बोले। हालेलुया, आधे बोलते शांत रहकर आराधना करो, प्रभु अपने भवन में है, आधे बोल रहे प्रभु की उपस्थिति में आई विल डांस। कितने लोग मेरे साथ हैं,
हालेलुया 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 हालेलुया। कोई कहते क्या हो, इंडिपेंडेंट चर्च से हम कौन से, हम बिल्कुल फ्री और आजाद है। कौन से चर्च के हैं, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट? हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आप किसी को कोई रोक टोक नहीं, जब जिसकी मर्जी दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाता है और उसका मन नहीं होता पादरी से नहीं जमती उठकर बाहर भी चला जाता हूँ। कितने लोग मेरे साथ हैं, कौन से चर्च के हो? बोले इंडिपेंडेंट साहब। ये इंडिपेंडेंट क्या भाई, कोई पाबंदी नहीं साहब, जब अब मर्जी हो 3 बजे 4 बजे आ जाओ। कई लोग तो आखिरी में जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं हमारे पिता तब आते, पादरी साहब हवाले भी कर दो। कई लोग तो चर्च से नीचे चिड़िया होता, कई लोग नीचे आते हैं क्यों, और लेट हो गए भाई साहब हम, क्यों परंतु चिड़ी उतर के चर्च खत्म करके तो वही कार के सामने प्रार्थना करा लो, कोई दिक्कत नहीं। पादरी साहब तो पादरी साहब मिलाओ पिता इन्हें आशीष। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इंडिपेंडेंट चर्च है ना, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। हालेलुया हालेलुया प्रभु आशीष दे। 6 पद क्या लिखा है, और यहोवा ने कहा, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप में और मुझ में क्या देखने आता है, आपके मेरी कलीसिया में क्या देखने आता है, आपके मेरे घर में क्या देखने आता है, प्रभु को क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग, क्यों आए प्रभु आपके घर में। कई लोग प्रभु पास्टर जी इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप प्रार्थना करो मत करो साहब, प्रभु कुछ तो आपके घर में देखने आता है। बोलो ये लोग, ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्या, नहीं प्रोसेस कर रहे हैं क्या, नहीं चर्च मीटिंग चला रहे हैं क्या, नहीं ये क्या कर रहे हैं पता है आपको, बोलो ये एक मन है, प्रॉफिट हिजकिय्याह फ्रांसिस सेज। जब हम प्रारंभिक दिनों में उनकी सभाएं अटेंड करी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं सन 2012 और 13 के समय की बात बताना चाह रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश में उनकी उनकी सभाएं हुआ करती थी प्रियो, उस समय में प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस ने एक बात कही थी भोपाल के 500 लीडर्स लोगों के लिए और जितने लीडर्स वहां पर थे, उन्होंने कहा था कि सारे अगवे सुनो, महीने में एक बार सारे अगवे प्रार्थना के लिए मत इकट्ठे हो, क्योंकि प्रार्थना के लिए तुम इकट्ठे नहीं होंगे, जाओ रेस्टोरेंट पर ढाबे पर कहीं पर खाने के लिए बैठ जाओ, कम से कम एक मन तो हो जाओगे खाते समय ताली बजाकर महिमा करते। और तुम यदि वहां पर एक मन हो प्रभु का आत्मा उतर आएगा, कमो चलो आप तालियां बजना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा है वो लोग क्या थे, क्या थे एक मन थे। उसकी चर्च में नहीं जाऊंगा, उसका चर्च में नहीं जाऊंगा, उसका ये में नहीं जाऊंगा, अच्छा मीटिंग ऑर्गेनाइज किए सुनो उस चर्च में नहीं आना। आज तो ये पादरी के हाल है, पादरी के हाल क्या बताया आपको, मर जाना चर्च मत जाना, दूर हो मत जाना, संडे घर में बैठ जाना लेकिन उसके चर्च मत जाना। हालेलुया हालेलुया कमॉन चर्च, क्या लिखा छे पद में, और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं। बोलो प्रभु क्या देखता है, बोलो एक ही दल, एक ही दल क्या होना चाहिए, एक ही दल घर में, क्या होना चाहिए, एक ही दल घर में, एक ही दल परिवार में, एक ही दल चर्च में, एक ही दल जहाँ भी प्रभु, जहाँ एक मन होते ना लोग वहां आता है। यहाँ क्यों प्रभु देखने आया पता है आप लोगों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु क्या देख रहा है पता है, वहां पर पूरे 11 अध्याय में आप लोग 1 से 9 तो वहां लिखा है प्रभु उनकी एक क्वालिटी देखने के लिए, एक मन है, क्या है, एक मन है, एक दल के लोग हैं और प्रभु एक दल के लोगों को यहां पर देखने आ रहा है। कितने लोग मेरे साथ हैं इस बात को समझे, बोलो दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी, दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ फेलोशिप, पावर ऑफ फेलोशिप, संगति की सामर्थ्य, एकता की सामर्थ्य। बोलो प्रभु यही चाहता है, जब यहाँ पर एकता होती है प्रभु आता है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वह सामर्थ्य, जहाँ प्रभु का आत्मा है वह सामर्थ्य। उत्पत्ति में प्रभु का आत्मा आया, सामर्थ्य आया, रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु और सामर्थ अलग अलग नहीं आते,
जहाँ प्रभु आता है वहाँ सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु जी तो मुझसे बहुत बात कर लेकिन सामर्थ महसूस नहीं हो रही। हालेलुया। बोलो एक ही दल के थे। क्या लिखा है? एक ही दल के थे। क्या देखता हूँ कि सब लोग एक ही दल के थे और भाषा भी उन सबकी एक ही है। बोलो भाषा भी उन सबकी एक ही है। कोई बोलो भाषा भी उन सबकी एक ही है। भाषा एक ही है। भाषा एक ही है। वेद काम दूसरे अध्याय में बोलो इन सबकी भाषाएं अलग थी, अब भाषा एक हो गई है। क्या हो गई है? जो उत्पत्ति 11 अध्याय में लोगों की भाषाएं बदली थी, क्या हुई थी? चलो पहले ये क्लियर कर देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ अभी रुक जाइए, वही आई उत्पत्ति में। बोलो उन लोगों की भाषा भी, भाषा भी उन सबकी एक ही है। हाँ? और उन्होंने ऐसे ही काम भी आरंभ किया। हाँ? और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना। बोलो कुछ भी अनहोना ना होगा। बोलो जब हम एक मन होते हैं वो कोई भी काम इम्पोसिबल नहीं होगा, अनहोना ना होगा, दिमाग पूरा हुए नहीं रहेगा। बोलो जब चर्च एक मन होता है स्वर्ग से आग बरसती है। बोलो इजराइली जब एक मन थे, इजराइली एक मन थे, शत्रु हारे, जरियो की दीवार गिर गई, लाल समुद्र हट गए, आकाश से आग बरसी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो एक मन थे। बाइबल बताती है, कमोन चर्च में आपको कहना चाहता हूँ, जिस परिवार के लोग एक मन है आपकी प्रार्थना रुक ही नहीं सकती है। पत्रस 3 अध्याय है उसका 7 पद। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री का निर्मल पात्र जान कर उनका आदर करो। हाँ। ये समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान। दोनों बोलो 1,000 को 10,000 को बनाएगा। रिसीव करें द पावर ऑफ गॉड। बोलो 1,000 को 10,000 को बगाएंगे। 1,000 को 10,000 को। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा क्यों? जब दो होंगे, दो लोग एक होंगे, दो लोग एक मन होंगे, प्रभु आ जाए। कितने लोग मेरे साथ हैं? कमोन मेरे साथ हो जाइए। बोलो अकेले थे, अकेली ताकत थी, दो हो गए तो 2,000 भी भाग रहे हैं। बोला प्रभु आ गया है। अब क्या हो गया है? प्रभु आ गया। दो होने से नया काम नहीं हुआ, दो होने से बोलो प्रभु आ गया। प्रभु आ गया। और 10,000 भागेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। 10,000 आमेन। 20 आमेन। 1,00,000 आमेन। 1,00,000,000 आमेन। सब भागेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। सारी बीमारियां भागेगी, गरीबी भागेगी, लड़ाई भागेगी, अत्याचार भागेंगे, निराशा भागेगी, तनाव भागेंगे, नशे भागेंगे, व्यभिचार भागेगा इन द नेम ऑफ जीसस। 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 रिसीव इट। हालेलुया हालेलुया। तुम दोनों जीवन के वरदान के क्या हो? जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इसका मतलब जिस घर में पति पत्नी एक मन नहीं उनकी प्रार्थनाएं आ रही है। 1,000 वाली प्रार्थनाएं प्रभु बोला 10,000 की इच्छा थी। क्या थी? प्रभु चाहता है 10,000 गुना हमारी स्पीड हो। कितनी हो? 10,000 गुना। बोलो 1,000 भगाएगा, 2,000 को भगाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला कि जो पति पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करेंगे उनके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं होगा। कोई भी काम अनहोना नहीं होगा। बोलो जहाँ दो लोग एक पर होंगे प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा है उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 6 पद की आखिरी लाइन में, अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे इसको स्टडी करना, इस पर मनन करना, इस पर फोकस करना, इस पर सोचना घर जाकर, इस पर सोचना किताब में लिखकर, थोड़ा देर दिमाग में प्रेशर देना कि जो कुछ भी वो यत्न करेंगे। अरे आप जो कुछ भी सोचेंगे, कुआ खोदने की सोचोगे ना तो भी पानी निकल आएगा। चट्टान के टुकड़े करोगे तो पति बोल रहा नहीं ऐसा करना, पत्नी बोल रही ऐसा करना।
पति ने बोला इसकी क्यों सुननी मेरे को, इसने बोली ना अब तो करना ही नहीं। ये हाल है शैतान की ओर से। आपको पता है पति पत्नी जब किसी बात पे आप सहमत नहीं हो ना तो बैठ जाओ शांति से, उस काम को रोको तो मत करो, इसके बजाय काम बिगाड़ो, शांति से बैठ जाओ और मिलकर फैसला करो। क्या लिखा है यहां पर पढ़ना थोड़ा सा लास्ट वाली लाइन को, उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया है, उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, ऐसा ही काम भी आरंभ किया हाँ। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे हाँ। उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। सुनो मैं आपको टच करने वाला हूँ प्रेतों के काम पर ले जाकर, कितने लोग मेरे साथ है आज इस टचिंग को लेने वाले हैं। आपको पता है यहाँ क्या खास बात थी कि यदि उत्पत्ति 11 अध्याय को प्रेतों के काम दूसरे अध्याय से यदि मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप नेक्स्ट पद में हम देखेंगे कि भाषा में गड़बड़ी हो रही है। क्या हो रही है तो बोलो जब भाषा सही थी, सब बोलिए जब भाषा सही थी, बोलो जब भाषा सही थी, जब भाषा सही थी, क्या सही थी भाषा। एक दल के लोग और भाषा, जिंदगी में याद रखना दो बातें, आपका घर हारता केवल आपकी शब्दों से भाषा से। आप परिवार में एक मन हो लेकिन बोल गलत रहे हो हार जाओगे, आप बोल सही रहे हो एक मन नहीं हो तो भी हार जाओगे। बोलो मेरे कल के लिए दो चीजें आवश्यक, एक मन एक भाषा, एक भाषा सब बोलो एक मन एक मन एक भाषा, जिस प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और उनकी भाषा वचन वचन भी एक है। ताली बजाए, ताली बजाए। हम कभी बाइबल में देखते यीशु का वचन, नए नियम में यीशु का वचन, पत्रियों में पवित्र आत्मा का वचन, उत्पत्ति में परमेश्वर का वचन। अभी देते हैं ज्ञान लोग वो चीज समझाते, लेकिन मैं बताता हूँ। बोलो वचन भी पिता का वचन, यीशु सहमत है, आत्मा सहमत है। जब आप वचन बोलते हो चाहे आत्मा का नाम लो, यीशु का नाम लो, परमेश्वर का नाम लो, बोलो सेम पावर रिलीज होती है, रिसीव इट, रिसीव इट। बोलो एक एक होना जरूरी है, एक भाषा जरूरी है। इसलिए आपके घर में कुछ भी काम करें, हमारे घर में हम कुछ काम करते हैं तो पहले बैठते हैं और समझते हैं, नहीं समझ में आता तो छोड़ देते हैं, काहे दिलफड़ा करना। इसके बजाय कि आप अपने घर के काम को बिगाड़ो, नहीं अब मैं अकेले ही करूंगा, कोई मेरे साथ की कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले ही करूंगा। और मैं बोलता हमेशा रायता फैल गया, क्या हो गया, हालेलुया हालेलुया, कोई नहीं कर रहा बेटा मैं अकेला ही करूंगा, थोड़े दिन बाद ठीक साथ हो गए सबको, हालेलुया हालेलुया। बोलो संगति में सामर्थ्य, उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय में वे लोग, कमो चल बोले वे लोग एक दल के थे। बोलो आज हम भी एक ही दल के, आज हम भी एक दल के। वो हमारे दल का कैप्टन का नाम भी बोलो यीशु, यीशु। बोलो हम एक ही दल के हैं, हम एक ही दल के हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम क्या हैं, मसीह हैं। आप क्या, हम पेंटिकोस्टल हैं, बोले हम तो मसीह हैं। आप क्या, हम लूथरन के, हम मसीह हैं। से हालेलुया हालेलुया। आप प्रोटेस्टेंट हो, नहीं हम मसीह के हैं, हालेलुया हालेलुया। कल चर्च भवन के लिए मैं सरिया परचेस करने के लिए गया, टेस्टमनी नहीं देना चाहता लेकिन वहां क्या वार्तालाप हुई थी, मैं कुछ वहां पर आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और जब हम बात करना शुरू करते हैं तो क्या होता है। सीधे मैं सरिया की शॉप पर गया, सरिया हमें चाहिए था क्योंकि अब भवन की छत डलने वाली है और ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है, काफी सारी टेस्टमनी लगेगी हमारी जूम मीटिंग पर। अब ओपनली कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर्सनली जो लोग रजिस्टर्ड हैं मेंबर हैं वो जूम मीटिंग पर उनको सारी बातें मिलने वाली है। मैं जब उसकी शॉप पर बैठा वो आपस में बातचीत कर रहे थे, मैंने चश्मा लगा रखा था, ऊपर मास्क था, आगे वेग था, ये ऊपर जैसे मैं खड़ा हुआ मैंने फर्स्ट टाइम ही पूछा सर का क्या भाव है, तो एकदम से वो शपका के डर गए, मतलब पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, ऐसा मैंने क्या बोला उनको, एकदम उनके चेहरे पर ऐसा डर आकर उसे मेरी तरफ देखने लगे वो। मैंने बोला मैंने सरिये का भाव पूछा, किडनी थोड़ी मांगी है, मेरे को ऐसा लगा मैंने उनसे पूछा भैया किडनी दे रहे हो क्या, वे लोग ऐसे देखने लगे मुझे जैसे मैंने उनसे किडनी मांग लिया। तो सबसे पहली बात उन्होंने पूछी
भैया आपकी शॉप है क्या? मैंने भैया शॉप नहीं, मैं तो ऑनर हूँ। बोले भैया आप तो घबरा गए थे। बोले बोले आप एकदम से आ रहे, सब पूछा तो मतलब एकदम से डर गए। मैंने क्या हो गया भैया? तो मेरा सरिया मुझे अपने वन के लिए ही चाहिए, हमारे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। बोले फिर ठीक है। बोले भैया उसने कैलकुलेट उठाया, बोले भैया मैं आपको ऐसा रेट दूंगा ना कि इस पूरी पूरे पूरे आप इंदौर में आपको कोई रेट नहीं देगा। उसने कैलकुलेट उठाया, कट 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 करा और सब कुछ गुणा भाग करके उसने मुझे मार्केट से भी सस्ता सरिया दिया। ताली बजा। बोले भैया आप पहली बार दुकान पर आए और आपका इंप्रेशन ऐसा गिरा है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्या बोला उसने? हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हुई तो उसने पूछा नाम क्या? मैंने रोहित, मेरा इससे काम चलेगा तो ठीक है, नहीं तो सरनेम भी बताना पड़ेगा। सरनेम बताओ तो समझ जाएगा ये। फिर बोले सरनेम आगे क्या है? मैंने बोला मसीह। बोले हाँ, मेरा मसीह। क्योंकि जैसे आप मसीह बोलेंगे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या एक और फिर से बोलना? क्या नहीं हो रहा? क्या क्रिश्चियन हो? मिला हाँ क्रिश्चियन है साहब। उनको लगा हमारे धर्म परिवर्तन करते हैं। हालेलुया। मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो फिर बताने लगे हाँ हाँ हमारे भी यहाँ थे वहां थी, बातचीत शुरू हुई। तो तुम्हारे इसमें चलती है? मैंने मेरे को भी चलती 2011 तक, मैंने भी बंद कर दी। हालेलुया। तो मेरा मुंह देखने लगे। फिर मैंने हाँ सर बंद कर दी, मेरा ट्रस्ट है, मैं फादर हूँ चर्च के अंदर में। बोले फादर को भी चलती है? मैं लाके देता विस्की। आपने क्या बोले उसको? क्या बोला मुझे वो? मैं भी उनको क्या लाके देता था? बोले हमारे हमें तो मतलब मैं क्या जब भी किसी बच्चे का एडमिशन कराना तो मैं विस्की की बोतल लेके जाता था। मैंने समझा कि देखो सर सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो उनका अलग ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन मैंने सन 2011 में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, कॉलेज में ये सब काम कार किया करते थे, तो हमारी बातचीत शुरू बातों बातों में फिर मैंने डोज दिया उनको। मैंने कहा कि देखो ये नशा है ना एकदम से आपकी बॉडी में नहीं जाता है, ये आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है, आपकी जींस फिर नशे जैसे हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि जब आप नशा लेते हैं थोड़ी देर बाद तो शरीर वैसे हो जाता है, ऐसे हिलने लगता है। तो फिर घबराने लगे वो लोग, डरने लगे। थोड़ी देर बाद बोलते सर हम बात में बात करेंगे। हालेलुया। और बोला जब मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ सरिया लेने के लिए, क्या बोला? थोड़ी देर बाद। और जब मैं उनके पास सेकंड टाइम दुकान पे पहुंचा तब उन्होंने कुर्सी आगे खींचकर बोला सर ताली बजाओ। बोला फर्स्ट टाइम मैं डोर पे खड़ा था। क्या था? सेकंड टाइम उनके सामने कुर्सी पर गई और वो लोग बोल रहे थे सर। क्या बोले थे? ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, ये उस यीशु मसीह का रिस्पेक्ट जो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। 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 जमाना लाख कुछ भी कहे और कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन तुम आड़े और खड़े रहना। तुम्हारे और खड़े रहना मेरे बेटे, तुम्हारे और खड़े रहना मेरे बेटे, तुम्हारे और खड़े रहना। हालेलुया। 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 वो कहेंगे तुम में चलती है, बोला हमको नहीं चलती। हालेलुया। मैंने हो सकता है हमारे लोग जाकर पहले दुकान खुलवाते हो तो हमारे प्रॉफिट तक तक सुबह हो गए भैया कौन दो हम दुकान बंद करवाने को बढ़ सकते। टेस्टमनी मैं आपको कहना चाहता हूँ, तुम बने रहना मेरे बेटे बेटियों, तुम खड़े और खड़े रहना अपनी ईमानदारी पर, सच्चाई में। जब तुम्हें खुलकर बोलने का मौका मिले मत डरना बोलना वहां पर तुम मसीह हो, तुम बोलना वहां पर तुम यीशु में भरोसा करते, तुम बोलना पहले मैं था ऐसा लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है, मैं अब डिवोटी हूँ, अब मैंने खुदा को अपना जीवन दे दिया है, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। बोले पहले मैंने पहले बताया, बोले पहले ऐसे ही कहा लेकिन अब ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, अब हमने यीशु को जीवन दे दिया है, अब यीशु हमें अलाउ नहीं करता। मैंने उनको एक बात और बोली, सब बोलो एक बात क्या है? कमोन पूछो एक बात क्या है? एक बात क्या है? मैंने बोला हमारा यीशु मसीह हमको अलाउ नहीं करता। ताली बजा। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह हमें अलाउ करता। शराब सी लेबी ये भी तीन भी हमें अलाउ नहीं करता। मैंने झूठ और चोरी भी अलाउ नहीं होती। क्या बोला मैंने? झूठ और चोरी भी अलाउ नहीं, ताकि तुम किसी रीति से मेरा सरिया कम ना लो। हालेलुया। हालेलुया।
मैंने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम मेरा सरिया कम ना बुरा बुरा करो। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा सर ये शरीर की एक एक जो सरिया काटने वाला है ये आपको बता रहा हूँ मैं। क्या बोला? कि जो सरिया काटने वाला है तो उसको बोला है कि एक सरिया अलग अलग करके पढ़ना, सब पर CRS लिखा होगा। ताली बजाओ। सब पर मैं आपको प्रीमियम क्वालिटी का सरिया देता हूँ। ताली बजाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे बेटे बेटियां वो तुम्हें खुश लाएंगे, वो तुम्हें लेकर जाएंगे, वे तुम्हें भरमाएंगे और भड़काएंगे, लेकिन तुम खड़े और खड़े रहना। तुम्हारे और खड़े रहना, यीशु की शिक्षा में और खड़े रहना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये तो एक ही भाषा के, परमेश्वर ने देखा ये तो एक ही दल के। तब प्रभु ने देखा कि अब इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों में आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन कलीसिया एक मन हो जाएगी, जिस दिन परिवार एक मन हो जाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सारे काम आपके और मेरे सारे काम परफेक्टली होंगे, आपके और मेरे सारे काम बेस्ट होंगे, आपके और मेरे कोई भी काम अनहोना होना होगा। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलियम कोलगेट पहले कोयला बेचता था मेरे भाई और बहनों, इसलिए तो उसका नाम कोलगेट हुआ। प्रियो हालेलुया हालेलुया। आज जब सुबह बच्चा उठ रहा है ना सोकर, तो बोलता नहीं मम्मी पेस्ट दे दो, बोलता मम्मी कोलगेट करना है। ताली बजाना पड़ेगी। क्या बोलता है? हालेलुया। जब किसी पर खुदा का अनुग्रह होता है, जब लोग एक मन होकर खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हो जाता है, हर एक काम संभव होता है। क्या लिखा है 6 पद में? यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ। और हम परमेश्वर को आश्चर्य में डाल सकते हैं। क्या मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ? आई कैन हियर यू। बोलो हम परमेश्वर को आश्चर्य में डाल देंगे। बोलता मैं क्या देखता हूँ। कई बार लोग बोलते ना अरे मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा। खास हमारे साथ ऐसा खुदा उनको देखकर बोले मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा। नहीं। बोलो मैं ऐसा करूंगा, प्रभु आकर बोलेंगे मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? ये वर्ड यही है कि मैं क्या देखता हूँ। प्रभु क्या बोल रहा है? ये वर्ड यही है। आपको पता है बाइबल में 2 बार यीशु आश्चर्यचकित हुआ। बोलो 2 बार हुआ। 2 बार हुआ। एक बार विश्वास देखकर। विश्वास देखकर। आपकी आवाज सुनाई दे रही है। एक बार विश्वास देखकर। बोलो बाइबल में 2 बार यीशु आश्चर्यचकित हो गया। है ये क्या हो गया? बोलो पहली बार। पहली बार जब उसने विश्वास को देखा। सुबेदार के विश्वास को देखा तो आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। और दूसरी बात उसने अपने शहर के अंदर में लोगों के अविश्वास को देखकर क्या कहा? आश्चर्यचकित हो गया वो उनके बोलो अविश्वास को देखकर। जब आप और मैं विश्वास में खड़े होते हैं प्रभु आश्चर्यचकित हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप और मैं यीशु को आश्चर्य में डाल सकते हैं। परमेश्वर आश्चर्य करेगा हमको देखकर। क्या ये वही लड़का है? क्या ये वही बेटा है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या तू यही यहोशू है? क्या तू यही मूसा है जिसको हकला था तू बोल नहीं पाता था? क्या तू यही दाऊद है जो भेड़ बकरी तरह तेरे कपड़े से भी भेड़ बकरी की बदबू आती थी? क्या तू यही पतरस है जो मछली पकड़ा करता सारी रात मछली नहीं पकड़ में है तुझे? अब देख तू इतने लोगों को पकड़ रहा है। कम ऑन चर्च। बोलो जो पतरस रात में मछली नहीं पकड़ पाया वो पतरस रात में कई लोगों को प्रभु मिलाया। लेकिन यदि आप प्रभु के लिए खड़े हो आप मिनिस्ट्री में सफल हो। प्रभु कहता मैं क्या देखता। प्रभु हैरान है इन लोगों को देखकर। बोलो प्रभु हैरान है। प्रभु हैरान हो गया है। बोलो मैं क्या देखता हूँ? एक ही दल है, एक ही भाषा है, और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया। साहब 11:6 में लास्ट वाली लाइन में अब जो कुछ हुआ और ऐसा ही काम भी
ऐसे ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ भी करने का यत्न करेंगे, अब जो कुछ भी वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। बोलो कुछ भी अनहोना ना होगा। आज मैं आपके लिए प्रोफेसी करता है कि आप एक मन तो आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, कुछ भी अनहोना ना होगा। आप बोलेंगे आग आएगी, आप बोलेंगे बारिश आएगी, ढेले जाएंगे, मंदिर देखेंगे, पहरे सुनेंगे, लगड़े चलेंगे, मुर्दे जिएंगे, ओम पे मलकियां खड़ी होगी, बिजनेस चलेंगे, जॉब्स मिलेगी, बेबी ब्लेसिंग होगी, जॉब ब्लेसिंग होगी, बिजनेस ब्लेसिंग होगी, होम मैरिज ब्लेसिंग होगी, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोले क्या वो होगा, कुछ भी अनहोना ना होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग बी पॉसिबल, बी इम्पॉसिबल, बी पॉसिबल, इन जीसस माइट नेम। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया, सात पद देखो। आओ हम उत्तर की उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। बोलो हम, हम क्या लिखा है, हम का मत बोलो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोलिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा लिखा है, बोलो एलोहिम, एलोहिम, एलोहिम मतलब ट्रिनिटी ऑफ गॉड, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिएक परमेश्वर। क्या हिब्रू में वर्ड यूज किया गया, बोलो एलोहिम, एलोहिम, एलोहिम का मतलब त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड, ट्रिनिटी गॉड। इसलिए लिखा है हम, हम मतलब तीनों आ गए, बोलो तीनों आए, तीनों आए। आगे इसलिए आओ हम पुत्र की उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनके वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं आपको प्रकाशन दे रहा हूँ, अपने वचन को जल्दी समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनो, बहुत गंभीर प्रकाशन है और ये लेना बहुत जरूरी है आप लोगों को, बहुत गंभीर प्रकाशन है और इसे लेना बहुत जरूरी है आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, यहाँ पर परमेश्वर मनुष्यों को पृथ्वी पर फैलाना चाहता, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी पर फैलाना चाहता था, तब उसने भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया, क्या कर दिया, अब परमेश्वर, बोलो अब परमेश्वर फिर से एक बार अपने लोगों को पूरी पृथ्वी में भेजना चाहता है, तब उसने एक ऐसी भाषा को भेजी जो लोगों को लगती तो गड़बड़ी है लेकिन वो लोगों को एक मन और एक दल बनाती है। ताली बजा कर निमा करें। हालेलुया। बोलो अन्य जातियों के लिए, बोलो पहली भाषा, पुरानी भाषा सब लोगों के लिए गड़बड़ी थी लेकिन अब की भाषा अन्य जातियों के लिए गड़बड़ी है और हमारे लिए एकता का चिन्ह है। आ जाइए जल्दी से प्रेतकांड से अध्याय में, आप आज के संदेश को जल्दी से विराम देने वाला हूं, तैयार हो जाइए। यहां पर क्या किया, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी को डाला, एक जब वो एक मन थे और पृथ्वी पर नहीं फैल रहे थे, अब यहाँ पर पृथ्वी पर फैलने के लिए प्रभु ने उन्हें एक भाषा दी है। चार पर दो का चार, दो चार वेदकाम, दो चार, दो चार वेदकाम, दो चार, एक टू फोर, टू फोर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए, दे ऑल आर फिल्ड विद द होली गॉस्ट। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, बोलो आत्मा ने क्या दिया, बोलने की सामर्थ्य क्या दिया, बोलने की सामर्थ्य क्या दिया, बोलने की सामर्थ्य क्या दिया, बोलने की सामर्थ्य, बोलो आत्मा ने, आत्मा ने बोलने का सामर्थ्य, सामर्थ्य, पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलो बोलने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य, द पावर ऑफ, द पावर ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग, बोलने का सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य। कई लोग बोलते हैं कि या तो अन्य भाषा व्यक्ति बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य देता है। बोलो कोई व्यक्ति घर से नहीं बोलता, मन से नहीं बोलता, आत्माओं से बोलने की सामर्थ्य, आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं बोलते, आपको आत्मा ने सामर्थ्य नहीं दिया, जिसको आत्मा से सामर्थ्य मिलेगा वो तो बोलेगा, कोई कुछ भी बोले, स्वर्गदूत भी आकर बोले बंद कर दे, मैं बोलो स्वर्गदूत तू आना बंद कर दे। हालेलुया चिल्ला, कोई मुझे आकर बोले अन्य भाषा बोलना बंद कर दे, तो मैंने तुम मुझसे बात करना बंद कर दे, क्या बोलना, तुम मुझसे बात करना बंद कर दे, हिसाब बराबर, क्योंकि ये भाषा तूने मुझे नहीं दी, ये भाषा मेरे परमेश्वर ने मुझे दी। यस आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाषा तूने नहीं दी है, तूने कोई लर्निंग कोर्स नहीं दिया मुझे आकर, कि जैसे इंग्लिश सिखाने वाले बोलते ना 30 डेज में फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना सीखिए,
20 साल में भी नहीं बोल पाता वो। हालेलुया, आत्मा बोलने की सामर्थ्य देता है, आत्मा बोलने की सामर्थ्य। और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दिया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलो यहाँ पर 120 लोग, यरूशलेम, कुछ बेतनिया से, कुछ सामरिया से, कुछ अलग अलग जाति से, अलग अलग जाति से 120 लोग आए, 120 लोग आए, अलग अलग जगह से थे, अलग अलग दल के। कोई बोले बिन्यामिन हूँ, कोई बोले यहूदा का हूँ, कोई बोले यूसुफ वाले हैं। कितने लोग साथ हैं? अरे कोई तो चिल्लाए हालेलुया। बोले कोई बोले रूबेन का हूँ भैया, कोई बोले यहूदा का हूँ, कोई बोले सिमोन का हूँ, कोई बोले गाद नप्ताली याशे का हूँ, कोई बोले बिन्यामिन का, कोई बोले यूसुफ का हूँ। परमेश्वर ने बोला अब तुम मेरे को रिसीव इट, यू आर माइन, यू आर माइन, गॉड सेज यू आर माइन, गॉड सेज यू आर माइन, अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो, दिस न्यू लैंड मेकर, दिस न्यू लैंड मेकर, दिस न्यू लैंड मेकर, दिस न्यू लैंड मेकर। बोलो नई लैंड मेकर, एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, एक भाषा, और टंग्स, टंग्स अलग नहीं करती लोगों को, एक करती है, वो एक करती है। शैतान आएगा आपको अलग करने अन्य भाषा से, लेकिन बोलो अन्य भाषा, अन्य भाषा तुम्हें एक कर दी, तुम्हें एक कर दी। अभी तुम पेंटिकोस्टल थे, अभी तुम पेंटिकोस्टल थे, सेनाई थे, लूथरन थे, बैप्टिस्ट थे, अलग अलग दल के थे, अलग अलग भाषा के थे। बोले अब, 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 अब तुम एक ही भाषा के, हालेलुया, हालेलुया। पहले अलग अलग दल के थे, अलग अलग दल था, बोले अब एक हो गया, अब एक हो गया, अब एक हो गया, अब एक हो गया, हालेलुया। फिर से पढ़ना चार पद, तुम्हें फिनिश करने वाला जल्दी से। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, क्या करने दी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, क्या करने दी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने, वे सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो बोला पहले अलग अलग रह रहे थे, क्या हो रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, पहले क्या रह रहे थे, अलग अलग, पहले क्या कर रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, अलग अलग रह रहे थे। आप 44 पे आइए, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। अभी बजाय जैसा शुरुआत किया मैं आपको दिखाई देता हूँ। बोलो पहले क्या कैसे रहते थे, बोलो अलग अलग, अलग अलग। बोलो अब वो विश्वास करने वालों की मंडली बन गई, विश्वास करने वाली, बिन्यामिन चला गया, यहूदा चला गया, आशेर चला गया, दान चला गया, दाद चला गया, नप्ताली चला गया, मैं सदूकी चला गया, मैं फरीसी चला गया, मैं शास्त्री चला गया, मैं व्यवस्थापक चला गया। बोलो अब एक दल हो गए, द दल ऑफ, द ग्रुप ऑफ बिलीवर इन क्राइस्ट, रिसीव इट, से हालेलुया, मसीह में जो दल अलग हो गए, अब एक हो गए, जो बटे हुए थे अब एक हो गए। बोलो एक ही दल, एक भाषा, एक देह, एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक विश्वास, हालेलुया, हालेलुया। और बोलो सबका एक ही परमेश्वर, उत्पत्ति में हमने देखा कि उन लोगों की एक भाषा थी तो सब काम पॉसिबल है। अब प्रेतों के काम में फिर परमेश्वर ने बोलो एक ही भाषा दी है, एक ही भाषा दी है। बोलो क्यों दी है, क्यों दी है, क्योंकि आपके सारे काम पॉसिबल हो जाए, सारे काम पॉसिबल इन जीसस। बोलो जैसे टंग्स बोलोगे सारे काम पॉसिबल हो जाए, सारे काम पॉसिबल हो जाए, सारे काम पॉसिबल। टंग्स रेवोल्यूशन लेकर आए, टंग्स विजन लेकर आए, टंग्स पावर लेकर आए, टंग्स एनॉइंटिंग लेकर आए, टंग्स विजडम लेकर आए, टंग्स नॉलेज लेकर आए, टंग्स पावर लेकर आए, टंग्स एनॉइंटिंग लेकर आए, टंग्स की अथॉरिटी लेकर आए, न्यू रेवोल्यूशन, न्यू पावर, न्यू एनॉइंटिंग, न्यू लाइफ इन जीसस माइटी नेम। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, मैं हिंदी में प्रार्थना बहुत कम करता हूँ, 5 मिनट भी नहीं होती मुझसे। अन्य भाषा में बोलोगे तो 5 घंटे भी करता रहूंगा। हमारी सेवकाई का जो बेस है वो है ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने कहा इनकी एक ही भाषा है, जैसे ये बोलना शुरू करेंगे इनके लिए कोई भी काम असंभव ना होगा। मेरी जिंदगी में जितनी आप सफलताएं देख रहे हैं, जितने काम बनते हुए देख रहे हैं, उसका कारण ये कि मेरी सुबह की शुरुआत, आपको तो सुबह उठता हूं तो क्या निकलता है मुझे, सुबह उठते शैतान मेरे पास बैठकर ऐसा करता है, क्या बोल रहा भाई, तो हिंदी में बोल दे, कभी तो हिंदी में बोल दिया करो। 2 घंटे बीत जाते बेचारे को, मेरे पास सिर को जलते, उन्होंने छोड़ो यार अब कहीं और चले अड़ोस पड़ोस में, अपन तो लगे हैं आत्मा में खुजालते रहे सिर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी रात जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तब एक काम करता हूँ, घुटने टेकता हूँ और फिर शुरू होता हूँ, हरे खंडा ला ब्रुत नामा सकारा खाता नामा रा खाता ला ब्रुत नमो सिंके रखे दे। जब मैं अपने तकिए पे सिर रखता हूँ, आंखें बंद करता तो एक काम और करता हूँ, खाना मन को लोग मन, तो जब मैं सोते सोते चेता सोता एक बार तो बोलते से हालेलुया, हालेलुया। ये भाषा मेरी डैडी ने मुझे गिफ्ट में दी है, उसका नाम परमेश्वर है, हालेलुया। और जब उसने दी थी तो उसने बोला बेटा इसका यूज करना, क्या बोला, तो मैं कैसा बेटा हूं अपने बाप का जो जबरदस्त यूज करता हूँ, ताली बजाकर मेहमान करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये बोलने से बढ़ती है, सब बोलने से बढ़ती है, सारी चीजें बोलने से कम होती है। आप प्रार्थनाएं करोगे लोगों के लिए हीलिंग की प्रार्थना, आपका अभिषेक घटता है, घटेगा क्या होगा, ईश्वर मेरे अंदर से सामर्थ निकली, सामर्थ क्या होगी आपकी, लेकिन जैसे आप अपना जनरेटर चालू कर रहेगा ना, मुझे कह रहे थे बोलो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, सब चिल्लाए बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी बैटरी को फुल टाइट रखें, अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखें, फुल टाइट, फुल चार्ज, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको पता है जब वो मंडली इकट्ठी होती थी ना, सब लिखा ना विश्वासियों की मंडली इकट्ठी रहा करती थी, क्या लिखा है, इकट्ठी रहा करती, लिखा है सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, क्या लिखा है, सब चिल्लाओ, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, कैसे बोलो, सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हमको कैसे रहना है, इकट्ठा रहना है, बोलो चर्च आना है, चर्च आना है, मीटिंग्स में आना है, संगति में आना है, और आप मौका ढूंढे संगति करने का, बोलो ना बार बार, आपको होता है जो शराब पीने वाले थे ना, मौका ढूंढते चले क्या, चले गए, मौसम अच्छा हो रहा है, क्या बोल रहे, ज्यादा गर्मी हो तो गर्मी ज्यादा हो रही, चलो यार, क्या बोलते हैं, कोई मर गया घर में तो अरे दद्दा निपट गए चले, फिर शादी, अरे आज तो शादी घर में यार, तेरा भाई पार्टी देगा ना, बर्थडे है तो बोलो, उनको बहाना चाहिए, सब बोलो ना बहाना चाहिए। किसी बकवास व्यक्ति ने कहा था पीने वालों को पीने का, वैसे हमारे पास भी बहाना हो संदर्भ करने का, ताली बजाना, खुदा के साथ संगति करने का बहाना चाहिए, अपने लोगों के साथ संगति करने का बहाना ढूंढो, आज कैसे आना हुआ, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, कैसे आना हुआ, आज हमारे घर में ये है, से हालेलुया, आज लोग तो डर के मारे बर्थडे बताना ना पुष्पा जी को, हालेलुया, हालेलुया, स्टेटस मत डालना अगले दिन डालेंगे बस, हालेलुया, से हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बार उस वक्त को बड़े फिनिश कर देता हूँ, और सब विश्वास करने वाले, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, प्रियो बोलो विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, विश्वास करने वाले इकट्ठा, बोलो इकट्ठा रहना, इकट्ठा रहना, संगति में रहना, संगति में रहना, चर्च संगति में रहना, चर्च संगति में, विश्वासी की संगति में, बोलो सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, इकट्ठे रहना, इकट्ठे रहना, सामर्थ लेकर आना, सामर्थ लेकर, इकट्ठे रहना, इकट्ठे रहना, अभिषेक लेकर आना, अभिषेक लेकर आना, इकट्ठे रहना, इकट्ठे रहना, आशीष लेकर आना, आशीष लेकर आना, इकट्ठे रहना, मिरेकल लेकर आता, इकट्ठे रहना, रेवलेशन लेकर आना, बोलो जब लोग इकट्ठे होते थे रेवलेशन शेयर करते थे, आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, बोलो इकट्ठे होते थे रेवलेशन, विजन शेयर करते थे। आप प्रोफेसी करना शुरू हो जाएंगे,
जैसे आप अपने पार्टनर से मिलोगे, आप उसको देखकर बोलना शुरू करोगे प्रभु का आत्मा मुझसे तेरे बारे में ये बोल रहा है। घर में अकेले अकेले दीवारों से बोलोगे, मम्मी के लिए ज्यादा दिन भविष्यवाणी करती तो हो गया काम, बेटा हमारी भविष्यवाणी कर दो सब, हालेलुया। लेकिन आप अगले व्यक्ति के लिए मिलोगे और जैसे प्रभु का आत्मा तुरंत आपसे बात कर लेगा, कहोगे कि प्रभु का आत्मा आपके बारे में ये बता रहा है। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे मेरे भाई और बहनों, इसलिए संगति करना जरूरी। आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल न होगा, अनहोना न होगा। आज मैंने आपको संगति की सामर्थ्य के बारे में बताया, किस प्रकार भाषा की गड़बड़ी हुई थी और भाषा को एक किया, दल को एक किया, सारी बातों को एक किया। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। तो आप लोगों को इस बात को समझ लिया, कम ऑन चर्च, आप लोग इस बात को समझिए, हमें संगति में रहना है, एक साथ रहना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे साथ काम कर सके। मैं बिलीव करता हूँ कि आप सब लोग जल संगति में रहेंगे, मिलकर रहेंगे। यदि आपके यहाँ चर्च खुल गए हैं तो दौड़ कर जाइए, चर्च नहीं भी खुले दो दो चार चार लोगों का ग्रुप भी यदि अलाउ होता है तो दो चार लोगों को होटल पे बुला लीजिए, वहीं पर मिलकर बातचीत कर लेना। हालेलुया, पिकनिक चले जाइए भैया, बाहर के स्पॉट चले जाइए, जहाँ अलाउ वहाँ चले जाइए, संगति मत छोड़िए। यदि आपके आस पास के लोग, आज के आस पास के लोग यदि आपको संगति करने से रोक रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ शैतान ही है जो आपको संगति करने से रोकेगा। यदि आप चर्च नहीं जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा दुनिया का आप पाप कर रहे हैं, संगति में नहीं तो ये पाप ही है। शैतान आपको अकेले में दबाएगा, आपका जूस निकाल देगा। इसलिए एक साथ हो जाइए, क्योंकि सारे विश्वासी प्रेत के काम एक साथ रहते थे। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आऊंगा ताकि आपको और डिटेल समझाऊं, मैं और डिटेल समझाता रहूंगा तब तक कि जब तक कि आप चर्च जाना ना सीख जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे।